हे गाइस, वेलकम टू मेडिसिन द मॉक। और आज हम बात करने वाले हैं थोड़े बहुत प्रीमियर लीग ऑल स्टार गेम के बारे में, जो कि चेल्सी के ओनर टॉड बोली ने सजेस्ट किया है कि वो एक गेम देखना चाहते हैं जिसमें कि नॉर्थ और साउथ ऑफ इंग्लैंड के बीच में प्रीमियर लीग टीम्स को बांट दिया जाए और उनके बीच में एक मैच हो। उनके हिसाब से ये जो रेवेन्यू होगा वो इट कैन बी यूज टू फंड द पिरामिड। और इसके बारे में थोड़े प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड में ऑब्वियसली ये आइडिया बहुत वेल रिसीव नहीं है। गैरी लिनेकर ने बहुत क्लियरली बोला है कि यू नो दिस इज समथिंग दैट वी सी इन द इंटरनेशनल गेम्स एनीवे। तो ये तो हो गई पंडित्स की बात, बट थोड़े प्रोस की बात हम पहले कर लेते हैं। तो देखिए, प्रीमियर लीग आज के डेट में वर्ल्ड फेमस है, पूरे दुनिया में उसको देखते हैं और देर आर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड वुड लाइक टू सी सच अ थिंग। ये इसको बस ये बोल देना कि बिकॉज एक सर्टेन सेक्शन ऑफ लोग नहीं देखना चाहते हैं, उसको डिसमिस कर देना चाहिए, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। और इसके ऊपर मेरे पर्सनल ओपिनियन जो है वो मैं एंड में बोलूंगा। आई एम नॉट टू मच इन फेवर ऑफ दिस, बट आई विल एक्सप्लेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो वापस आते हैं प्रोज के ऊपर। तो आई थिंक देर इज अ मार्केट फॉर दिस, डेफिनेटली यू नो लोग देखना चाहेंगे। दूसरी बात है रेवेन्यू। अगर आप इस तरह का कोई गेम करते हैं तो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट इससे रेवेन्यू बहुत आएगा। और यू नो एफए को ऑब्वियसली देर आर स्मॉलर क्लब्स अक्रॉस द पिरामिड। हम प्रीमियर लीग टीम्स की या बिग सिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। देर आर अ लॉट ऑफ क्लब्स व्हिच कैन डू विद अ लॉट ऑफ मनी। हम अक्सर पढ़ते हैं कि यू नो देर आर क्लब्स दैट आर अंडर स्क्रूटिनी या फिर उनके एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठ जाता है। ऑफ कोर्स यू नो बेरी और इस तरह के काफी एग्जांपल्स। तो क्या उनको इस तरह के रेवेन्यू से फायदा होगा? बिल्कुल होगा अगर यू नो इट फ्लोस थ्रू द राइट वे। लास्टली अगर मैं प्रोज की बात करूं तो यू नो क्या ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि फुटबॉल में बहुत सारी चीजें हैं जो इनिशियली वेल रिसीव नहीं थी। द आइडिया ऑफ प्रीमियर लीग इटसेल्फ वाज नॉट वेरी वेल रिसीव्ड, इफ यू रिमेंबर, जब प्रीमियर लीग को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस तरह से उसको सेटअप किया गया था। बाद में ऑब्वियसली चेंजेस आए और यू नो इट इज नाउ द लीग एज वी ऑल नो, बट इनिशियली उसको भी रेजिस्टेंस था। तो ये एक नई चीज हो सकती है देखने के लिए कि समथिंग दैट इज नॉट यू नो कॉमन, समथिंग दैट इज डिफरेंट। अब हम बात करते हैं थोड़े इसके खामियों के बारे में। खामियां तो नहीं, बट हम बात कर सकते हैं कौन सी चीजें इस चीज को रोक सकती हैं। तो नंबर वन इज कल्चर। देखिए, जो टॉड बोली ने बात बोली है वो ही कम्स फ्रॉम अ स्कूल ऑफ थॉट ऑफ अमेरिकन स्पोर्ट्स। ही काफी अमेरिकन कॉन्सेप्ट है नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करना और यू नो उनके बीच में मैचेस करना। प्रीमियर लीग में नॉट जस्ट पंडित्स, बट अगर आप फैन ओपिनियन की भी बात करो तो देयर इज अ साइजेबल पोर्शन ऑफ पीपल, एंड नॉट जस्ट इन यूके, बाकी कंट्रीज में भी लोगों ने बोला है कि ये काफी अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और वो प्रीमियर लीग में इस तरह की चीज को नहीं देखना चाहते। उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे देयर आर पीपल हु वांट टू वॉच इट, देयर आर आल्सो पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एट ऑल। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि इसको डिवाइड करना बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड ये मेरा सबसे बड़ा इशू है। मुझे कल्चरली, अगर मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, कल्चरली आई डोंट सी दिस एज अ वेरी बिग थिंग दैट कैन यू नो गो अराउंड। अगर आप इस चीज को मिला के देखोगे तो काफी राइवल टीम्स होती हैं, कैसे वो साथ में खेलेंगे। ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई बोलेगा कि बट वो अपने कंट्री के लिए साथ में खेलते हैं, बट द थिंग इज कि देखिए, कंट्री बहुत वेल डिफाइंड चीज है। एक इंग्लैंड फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेंट और रैशफोर्ड इंग्लैंड के लिए साथ में खेल सकते हैं, राइट, बट व्हेन इट कम्स टू देयर क्लब लॉयल्टीज दे आर द बिगेस्ट राइवल्स। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इंग्लैंड एक वेरी वेल डिफाइंड कंट्री है, बहुत साल से यू नो एक सेटअप क्रिएटेड है। यहाँ पे नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड को कल्चरली पहला बात तो डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल होगा। यू कैन नॉट यू इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, फैंस विल नॉट एक्सेप्ट। कल्चरली अमेरिका से इंग्लैंड काफी डिफरेंट कंट्री है, एंड दिस मे और मे नॉट बी वेल रिसीव्ड। दैट इज द नंबर वन थिंग। और अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये बोला कि इसको कैसे रिसीव करेंगे और द होल फैक्ट ऑफ डिविजन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इज डिफिकल्ट पर्सनली, एंड दिस इज जस्ट एन ओपिनियन एज अ फैन। आई फील इट फील्स अ लिटिल गिमिकी। इट्स एज इफ कि फुटबॉल पे फोकस नहीं है, पूरा फोकस रेवेन्यू के ऊपर है, विच आई अंडरस्टैंड फ्रॉम मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट। इट इज अ ग्रेट आइडिया, एंड यू नो एट सम पॉइंट ऑनेस्टली दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई सी देम हैपनिंग एज वेल। मैं किसी से बात कर रहा था और इसको आउटराइट मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, मे बी इट्स नॉट अ गुड आइडिया। बट अगर मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि फुटबॉल के ऊपर फोकस नहीं है, इट इज प्योरली मनी, विच इज यू नो डज नॉट सिट राइट विथ मी, विच इज वाई आई वुड नॉट लाइक टू सी इट। बट आप उनको कॉमेंट सेक्शन में बताओ यार, अगर आप देखना चाहोगे तो
एक मैच बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, और नॉर्थ एंड साउथ के बीच में अगर हम डिवाइड कर लें, इसकी नॉर्थ में वी विल हैव लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, ये सारी टीम्स होंगी, साउथ में दूसरी टीम होंगी, लंडन टीम विल बी इन द साउथ ऑफ कोर्स, तो कौन सी कौन सा आप मतलब आपके हिसाब से नॉर्थ 11 और साउथ 11 क्या होगा? Let us know in the comment section what you think of this idea. This can be an interesting idea. I will not deny that. But as a fan, I'm not too gung-ho about it. But, you know, let us know your opinion in the comment section. Cheers and after that.